पीएमसीएच में जीवित मरीज के परिजनों को मृत बताकर दूसरे का शव सौंपने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद पटना डीएम अब डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पीएमसीएच के प्राचार्य और एसपी को पत्र लिखकर मामले की जांच के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस मामले को बड़ी लापरवाही बताते हुए अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा, साथ ही दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि रविवार को बाढ़ के महमदपुर निवासी चुन्नू कुमार कोविड-19 संक्रमित होने के कारण पीएमसीएच पटना में भर्ती हुए थे और उसी दिन ही पीएमसीएच प्रशासन ने मरीज को मृत बताकर उन्हें दूसरे व्यक्ति का शव परिजनों को सौंप दिया। मामला संज्ञान में आते ही डीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला नियंत्रण कक्ष के सिटी मजिस्ट्रेट को मामले को देखने को आदेश दिया है। हालांकि इस मामले में अब तक कार्रवाई की गई है, इस मामले में हेल्थ मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आपको यह बता दी चले कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है पटना का पीएमसीएच और यहां पर आए दिन लापरवाही देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह की लापरवाही शायद यह पहली दफा देखने को मिली जब परिजनों को उसकी लाश सौंपी गई, लेकिन वो लाश उनके परिजन की नहीं बल्कि किसी और मृत व्यक्ति की थी। और यह बहुत बड़ी जो लापरवाही है वो सामने देखने को मिली, जहां पर एक जीवित व्यक्ति को मृत करार दिया गया और सिर्फ मृत करार ही नहीं दिया गया बल्कि डेथ सर्टिफिकेट भी बनाकर उन्हें दे दिया गया। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, मामला पटना के डीएम तक पहुंच चुका है और इस मामले में डीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इस मामले में अब तक के हेल्थ मैनेजर को जो सस्पेंड है वो कर दिया गया है। मामले की लगातार जो इंक्वायरी है, जांच है, वो चल रही है और भी लोगों पर गाज गिरनी तय है, लेकिन अब तक पीएमसीएच प्रशासन कोई खास इस पर बोलता नजर नहीं आ रहा है। सभी लोग इस पर से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल, सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, यहां पर इस तरीके की अगर लापरवाही होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं, इसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि अस्पताल प्रशासन भी इस पर अब तक जो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है हेल्थ मैनेजर को सस्पेंड करके। तो पीएमसीएच में जीवित मरीज के परिजनों को मृत बताकर दूसरे का शव सौंपने के मामले में तूल पकड़ लिया है। घटना के प्रकाश में आने के बाद अब डीएम, जो डीएम है पटना के डीएम, उन्होंने इस पूरे घटना पर डैमेज कंट्रोल की बात कही है और अस्पताल प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने एसपी से इस रिपोर्ट मांगा है, साथ ही साथ कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। हालांकि कार्रवाई की गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ मैनेजर को सस्पेंड किया गया है। इतना बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, आखिर कैसे इस पर यकीन किया जाए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्थ मैनेजर की ही भूमिका होगी, क्योंकि वहां का जो लंबा प्रोसेस होता है, जो मरीज की मौत होती है, और अभी के वक्त में जो कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होती है, जो बड़े डॉक्टर है उनके पास लिस्ट जाती है, और कैसे इस जीवित व्यक्ति को वहां पर मृत करार दिया गया, अपने आप में एक बड़ा सवाल है और बिल्कुल ये जांच का विषय है, गंभीर जांच का मसला है। बिना जांच के अगर वाकई में इस तरह की अगर बातें सामने आती है, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह इस वक्त हमारे बीच जुड़ चुके हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। मनोज जी, ये बड़ी और बहुत ही चूक लापरवाही भरी जो खबर है वो सामने आया, हालांकि कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई है, हेल्थ मैनेजर को सस्पेंड किया गया, चूंकि मामला तूल पकड़ लिया है, डीएम के पास पहुंच चुका है, क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इतनी बड़ी लापरवाही के ऊपर? देखिए राकेश, बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच, इसमें इस तरह की लापरवाहियां होती रहती है, लेकिन जो लापरवाही, जो गलतियां मीडिया में आती है उस पर एक्शन भी ली जाती है। तो इसी तरह की घटना कल घटी है कि बाढ़ का एक कोरोना पॉजिटिव पीड़ित जो भर्ती था पीएमसीएच में, उसका चुन्नू कुमार नाम है, और उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू करके डेड बॉडी भी सौंप दिया गया, लेकिन लास्ट डेड बॉडी वो किसी और का था। तो ये खबर जिस तरह से जब सामने आई, जब परिजन को डेड बॉडी मिला, उसके बाद में परिजन चले जाते हैं घाट पर, वहां पर जब चेहरा देखा जाता है तो जो परिजन को लगता है कि नहीं, मेरा जो 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 मेरा पेशेंट है वो नहीं है, वैसी स्थिति में लोग बेचैन हो जाते हैं, फिर लोग हॉस्पिटल में आते हैं, हंगामा करते हैं, और उसके बाद में पता चलता है कि जो पेशेंट चुन्नू कुमार था बाढ़ का,
वो जो है अभी जिंदा है और वो अच्छी स्थिति में है, उसमें सुधार हो रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये खबर जैसे ही मीडिया में आई उसके बाद में पीएमसीएच प्रशासन का भी नींद हराम हो गया। डीएम ने संज्ञान खुद संज्ञान ले लिया। मीडिया में जब खबर जब चलने लगी तो डीएम पटना डीएम चंद्रशेखर ने खुद इसको संज्ञान में ले लिया और जो जो पीएमसीएच सुपरिटेंडेंट हैं उनको एक लेटर इश्यू किया गया डीएम ऑफिस से कि इसकी त्वरित जांच करके और कार्रवाई का रिपोर्ट मुझे दिया जाए। इसके बावजूद भी जो जिला नियंत्रण कक्ष के जो इंचार्ज हैं उनको भी डीएम ने लगाया कि क्या सच्चाई है इसका वो रिपोर्ट में। हालांकि कल देर रात में जो मजिस्ट्रेट थे जिला नियंत्रण कक्ष के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने रिपोर्ट दे दिया है। जो जो खामियां हुई जो जो गलतियां हुई डेड बॉडी कोई और था किन्नू कुमार जो पेशेंट जो था वो सकुशल है उसमें सुधार हो रहा है। सिर्फ जो सिटी मजिस्ट्रेट है उन्होंने रिपोर्ट दे दिया है लेकिन अभी भी डीएम को इंतजार है। जब सुपरिटेंडेंट से बात की गई तो सुपरिटेंडेंट ने कहा कि हमारे संज्ञान में नहीं है, मीडिया में खबर आ रही है, लेटर भी आया हुआ है, इसकी हम जांच कर रहे हैं और जांच करेंगे और जो कोई भी दोषी इसमें होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तरह की कार्रवाई करेंगे जब ये पूछा गया तो वो बोले कि जो भी बात सामने आएगी हम ऊपर लिखेंगे। मतलब कि मैंने ढेर मक्खा करने की भी कवायद हो रही है पीएमसीएच में, अक्सर ऐसा होता रहा है। तो इसको लेकर के डीएम जब संज्ञान लिए तो अभी पीएमसीएच में अभी खलबली मची हुई है और सुपरिटेंडेंट अभी सत्य में दिख रहे हैं। राकेश जी, मनोज जी, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इतनी बड़ी चूक हो गई, इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, वो तो गनीमत रही कि परिजन मृत व्यक्ति का शरीर को देखकर वो पहचान गए कि वो उनके परिजनों का शव नहीं है और बाद में ये जो मामला है वो तूल पकड़ा। क्या इस मामले में सिर्फ हेल्थ मैनेजर ही दोषी है? इतना लंबा प्रोसेस होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर वहां पर हेल्थ मैनेजर को तत्काल में सस्पेंड किया गया है, क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ अकेले ही हेल्थ मैनेजर की ही गलती है यहाँ पर? देखिए, सिर्फ हेल्थ मैनेजर की गलती नहीं हुआ, यहाँ पर वार्डन की भी सबसे बड़ी भूमिका होती है। वार्डन को पहचानने में, जो पेशेंट है उसको पहचानने में जहाँ पर शुरुआत है वो वार्डन होता है और वार्डन ही इसमें लापरवाही आ रही है। खानापूर्ति एक तरह से कहा जाएगा कि हेल्थ मैनेजर को सस्पेंड कर करके ये खानापूर्ति की गई, लेकिन यहाँ पर इसमें जो पूरा सस्पेंस लगा हुआ है, जो पूरा सस्पेंस होता है डेड बॉडी जहाँ से डिस्चार्ज होता है बेड से लेकर के और डिस्चार्जिंग तक ये सस्पेंस बना हुआ है। इसमें एक आदमी शामिल नहीं होता है, इसमें पूरा चेन बना होता है और डेथ सर्टिफिकेट इशू करने वाला अधिकारी भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वार्डन से लेकर के पूरा सिस्टम तक पूरा लापरवाही है इसमें दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि खानापूर्ति करने से काम नहीं चलेगा, पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत पड़ेगी। राकेश जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए और विश्लेषण के साथ इस खबर पर बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी लापरवाही, सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है राजधानी पटना का पीएमसीएच और वहां पर इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है। इस तरह के अगर मामले सामने आएंगे तो वाकई में वहां पर जो मरीज हैं, जो लोग हैं वहां पर जाने से कतराएंगे, डरेंगे और उन्हें लगेगा कि वहां पर जो लोग जाते हैं तो जरूर हैं चलकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्टर की लापरवाही होती है, अस्पताल प्रशासन की जो लापरवाही है, वहां पर उनके मरीजों को मृत घोषित कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं इसका जो बुरा असर है लोगों पर देखने को मिलेगा। हालांकि उम्मीद है कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि डीएम तक ये जो मामला है वो संज्ञान में लिया गया है और एसपी से सीधे यहां पर संपर्क करके यहां पर मामले की जांच कर कार्रवाई की बात जो है वो कही गई है।